गोलाघाटनी समाचार नवानगर सेवा रिपोर्टर बानी वरुण सिंह जी। खबर के हेडलाइन सुनी, लॉकडाउन उल्लंघन मामला में सीओ साहब दूगो दुकानदार पर दर्ज करेलन FIR। जी हाँ, दूगो दुकानदार पर नवानगर में भी FIR हो गई बा। खबर का बा विस्तार से जानी। कोरोना महामारी के दौरान स्वास्थ्य सुरक्षा के तहत लागू पाबंदी के पालन ना कईला पर अब सीधा कार्रवाई होता है। एकरा खातिर प्रशासन कड़ा रुख अपना ले बिया। मंगर के दिने प्रखंड के स्थानीय बाजार में औचक निरीक्षण सीओ कईले, जौना में दूगो गैर जरूरी दुकान पर कार्रवाई करत स्थानीय थाना में FIR दर्ज करावल गई। दोनों कपड़ा के दुकान है जौन लॉकडाउन के उल्लंघन करत दुकानदार अपन दुकान खोल के रखले रहन। यह मामला में मिलल जानकारी के अनुसार नवानगर में लॉकडाउन के गाइडलाइन के पालन ना करे के शिकायत के सीओ सह मजिस्ट्रेट अमरेश कुमार औचक निरीक्षण कैली। निरीक्षण में शाह रहमत ड्रेसेज सह फैंसी वस्त्रालय आ आरती ड्रेसेज दुकान संचालित करत रंगे हाथ दुकानदार के पकड़ लिहल गेलन। जेकरा बाद सीओ दोनों दुकानदार क्रमशः शमशाद चिश्ती आ अशोक कुब के खिलाफ लिखित आवेदन देके थाना में FIR दर्ज करा दिले, जौना में बतावल गई बा कि सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के उल्लंघन करत दुकान खोल के रखल गई रहे, जबकि जरूरत के दुकान फल सब्जी किराना मीट मछली के दुकान 11 बजे तक ही बंद करे के बा। एकरा अलावा सब दुकान बंद रही। एकरा बावजूद भी गैर जरूरी दुकान बाजार में संचालित होत रहे, जौना पे प्रशासन कार्रवाई करे शुरू कर दिले बिया। बतावत चली कि चौगाई में भी लगभग 9 गो दुकानदार लोग पर FIR दर्ज हो चुकल बटुए। ई लोग पो आपदा के तहत आ कानून के उल्लंघन करे के मामला में FIR दर्ज करावल बा। अब ई लोग के परेशानी बढ़ी। बता दी कि लॉकडाउन काफ़ी विकट स्थिति बटुए, लेकिन यह विकट स्थिति में भी कुछ ऐसा दुकानदार बने जौन समझे के नाम नहीं खोलने, इनका विरुद्ध अब कार्रवाई के प्रक्रिया भी शुरू हो गई बा। यही कार्रवाई के तहत दूगो दुकानदार लोग को सीओ अमरेश कुमार FIR दर्ज कर ले बा। ये दुकानदार लोग कपड़ा दुकानदार लोग करत का बा, लोग आगे से शटर गिरा देता लोग, गहकी घुसा लेता लोग, 10-10 गो 20-20 गो गहकी कपड़ा पसंद करे लगत रहा। ऐसा सूचना मिलल रहे अमरेश कुमार के। एक बाद ये कार्रवाई कल गई। कार्रवाई पर बाजार में हड़कंप मचल बटुए, कहें से कि लगातार चौगाई के बाद अब नवानगर अगर दुकानदार लोग ना सुधरल तो जिला भर में ऐसे ही FIR दर्ज हो। भोजपुरिया समाचार पल पल अपडेट देते रहे। खबर के रूरा सब लाइक करी, सब्सक्राइब करी, शेयर करी, कमेंट करी। धन्यवाद।